बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं एक सब्ज़ी के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो ग़िज़ायत के अतबार से पूरी दुनिया में मशहूर है। वो सब्ज़ी ब्रोकली कहलाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम ब्रोकली पर बात करेंगे। यह देखें, बहुत ही हरी पत्तियां और एक तने पर फूल हैं। यह है ब्रोकली की सब्ज़ी। इस साल हमने इस 50 फुट के टनल में ब्रोकली उगाई है। हमने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बीज बोए थे और आप देखें ब्रोकली के फूल कैसे निकल आए हैं। ब्रोकली बन गोभी के खानदान की एक सब्ज़ी है। ये फूल, तने और ये पत्ते तीनों खानों में इस्तेमाल होते हैं। आप देखें ब्रोकली की फूलों वाली कलियाँ वाजह होती हैं, जो एक मरकज़ी मोटे तने के आखिर में उगती हैं और गहरे सब्ज रंग की होती है। कुछ अकसाम में जामनी, पीले या सफ़ेद रंग के फूल भी होते हैं, लेकिन ये नायाब हैं। ब्रोकली की उगाई का मौसम 14 से 15 हफ्ते होता है। ज़्यादातर ब्रोकली के अकसाम ठंडे मौसम में अच्छे उगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का मौसम वैसे भी ठंडा है, तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त ये ब्रोकली उगेगा और गर्म मौसम में ख़राब होते हैं। एक कच्चे ब्रोकली में 99% पानी, 7% कार्बोहाइड्रेट, 3% प्रोटीन होता है। इसमें चर्बी ना होने के बराबर होती है। अगर आप 100 ग्राम ब्रोकली ले लें तो उसमें 34% कैलोरीज होते हैं और फिर विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी का एक ज़बरदस्त जरिया है। इसके अलावा ब्रोकली मादनियात से भी भरपूर होता है। ब्रोकली में फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर हाजमे में मदद देता है और जिस्मानी सूजिश को कम करता है। इसके अलावा ब्रोकली में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट है और मुख्तलिफ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो दायमी बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। ब्रोकली में एक केमिकल होता है जिसे ग्लूकोसिनोलेट्स बोलते हैं। ये केमिकल कैंसर से लड़ने में मदद देता है। इसके अलावा ब्रोकली दिल की सेहत के लिए भी मुफीद होता है। इसके एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट और फाइबर की खसूसियात कोलेस्ट्रॉल को कम करने, मुनासिब ब्लड प्रेशर को बरकरार रखने और कल्बी सेहत को, दिल के सेहत को फ़रोग देने में मदद करती है। ब्रोकली आंखों की सेहत के लिए भी मुफीद है और एज के साथ साथ जो मैक्युलर डिजनरेशन होती है या मोतिया होती है, उसके खतरे को भी कम करता है। ब्रोकली विटामिन सी की बड़ी मकदार की वजह से मुदाफियाती निज़ाम को मजबूत करता है और ज़ख्म बढ़ने, कोलाजन की तैयारी और आयरन के जज़ब में मदद करता है। इसमें मौजूद कंपाउंड्स जैसे इंडोल 3 कार्बिनोल है या डाइडिनोवाइल है, मुदाफ़ती निज़ाम को मुतासर करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सूजिश को कम करते हैं। ब्रोकली कैल्शियम का भी एक बेहतरीन ज़रिया है, जो सेहतमंद हड्डियों की नशोनुमा और ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। ब्रोकली में विटामिन के भी होता है, जो हड्डियों की सेहत के लिए अहम है। ब्रोकली कम कैलोरीज और ज़्यादा फाइबर की वजह से वज़न को कंट्रोल करने में मदद देता है और सेहतमंद मेटाबॉलिज्म को फ़रोग देता है। इसके अलावा ब्रोकली के आला फाइबर मवाद की वजह से ये हाजमे को बेहतर बनाता है, बाकायदा आंतों की हरकत को यकीनी बनाता है और आंतों में मौजूद अच्छे जरसूमों की नशोनुमा को फ़रोग देता है। अब आते हैं इसकी पाकिस्तान में कीमत क्या है। पाकिस्तान में ब्रोकली की कीमत तकरीबन 500 से 1000 रुपये फ़ी किलो तक होती है और इसकी अहमियत को देखते हुए हमें रवायती सब्जियों जैसे बंद गोभी के साथ साथ ब्रोकली पर भी तवज्जो देनी चाहिए।